फ्रेंड्स आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ, या कंपैरिजन या ये बहुत ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी होने वाली इन दोनों प्रोसेसर के बीच में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मैं नाम बता देता हूँ, इन दोनों प्रोसेसर का नाम है मीडिया टेक हीलियो G85 वर्सेज मीडिया टेक हीलियो G88। दोनों के नाम डेट यहाँ पे हीलियो G85 की थी अप्रैल 2020 एंड हीलियो G88 की थी जून 2021। ऐसे और कंपैरिजन को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं टेक रूम। देखेंगे हर वीडियो की तरफ, इसमें भी सीपीयू, ग्राफिक्स, मेमोरी, कैमरा, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग एंड रिव्यू मिल जाएगा। हम उसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रोसेसर है तो स्नैपड्रैगन हीलियो G85 में यहाँ पे 2 कोर 2 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A75 है एंड 6 कोर 1.8 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। हीलियो G88 में यहाँ पे 2 कोर 2.4 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A75 एंड 6 कोर 1.8 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 है। यहाँ पे हीलियो G85 एंड G88 दोनों सेम है, 2000 MHz की दोनों की पीक फ्रीक्वेंसी है सीपीयू की। फैब्रिकेशन में भी दोनों सेम है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस से दोनों ही बने हैं। नेक्स्ट आते हैं नेम पे, यहाँ पे G85 के जीपीयू का नाम है माली G52 MP2 एंड हीलियो G88 का जीपीयू का नाम है माली G52 MC2। यहाँ पे जीपीयू आर्किटेक्चर में दोनों सेम है बाइफ्रॉस्ट। जीपी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हीलियो G85 एंड G88 का दोनों का जीपी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, 1000 MHz की दोनों की जीपी फ्रीक्वेंसी है। दोनों ही सेम टाइप के रैम को सपोर्ट करते हैं LPDDR4X को, रैम फ्रीक्वेंसी भी दोनों की सेम है 1800 MHz। स्टोरेज टाइप की बात करें तो दोनों ही EMMC 5.1 को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही 2K 30fps का वीडियो कैप्चर भी करते हैं, दोनों ही 2K 430fps का वीडियो प्लेबैक भी करते हैं। डिस्प्ले में बात करें तो दोनों ही 2520x1080 का दोनों ही डिस्प्ले जो है सपोर्ट करते हैं। दोनों 5G प्रोसेसर नहीं है एंड यहाँ पे 4G में दोनों ही LTE Cat 7 का सपोर्ट करते हैं। ब्लूटूथ में यहाँ पे दोनों ही ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट करते हैं। सबसे हमें कनेक्टिविटी की बात करें तो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों जो 4G में है तो स्पीड MBPS में होगी, तो डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों की 300 MBPS है एंड अपलोड जो है 100 MBPS है। गेमिंग की बात करें तो G85 आपको Realme Narzo 30A में देखने को मिलेगा, वहीं हीलियो G88 Redmi 10 Prime में देखने को मिल जाएगा। PUBG में बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रेम रेट दोनों 40-40 होगा, ग्राफिक्स में HDI दोनों का सपोर्ट होगा एंड यहाँ पे COD मोबाइल में बात करें तो दोनों का फ्रेम रेट सही है 40-40 FPS एंड ग्राफिक्स में मीडियम हाई सपोर्ट करेगा। सीपीयू परफॉर्मेंस की बात करें तो G85 थोड़ा पुराना प्रोसेसर है तो इसके स्कोर थोड़े कम है, यहाँ पे 27 स्कोर है एंड हीलियो का G88 का स्कोर है 28 एंड गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों ही सेम है 15 ड्यूटी दो नाम का प्रोसेसर है। बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हीलियो G85 का जो स्कोर है ये है 54, पुराना प्रोसेसर है एंड हीलियो G88 का स्कोर है थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का 60 एंड अंतुटू स्कोर की बात करें तो हीलियो G85 का स्कोर है 1,91,748 एंड हीलियो G88 का स्कोर है 1,94,229, वो स्लाइटली आपको बेटर देखने को मिलेगा G88। सिंगल कोर गीक बेंच की बात करें तो यहाँ पे हीलियो G85 का स्कोर है 356 एंड G88 का स्कोर है 339। मल्टी कोर पे G85 का स्कोर है 1,259 एंड G88 का स्कोर है 1,276, बहुत स्लाइटली सा बेटर है G88। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।